हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम चंद्रा एंड यू आर वाचिंग रंगवाल चंद्रा। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप बीसीए के बाद बीपीओ ज्वाइन करते हो तो आप कितना अर्न कर सकते हो। एंड थंबनेल देख के आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि मेरी फर्स्ट जॉब ही बीपीओ थी। एज आई कम्प्लीटेड माई बीसीए इन 2020, सो उसके बाद जो मेरा फर्स्ट जॉब था वो मुझे बीपीओ में ही मिला था। एंड दैट वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब। सो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब आपको पता होगा कि कुछ एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट तक आप किसी कंपनी के साथ काम करते हो। अगर आपका काम पसंद आता है तो कंपनी आपको ऑफर करती है एज अ परमानेंट एम्प्लॉय, और एल्स वो आपको मतलब टर्मिनेट कर देती है, काइंड ऑफ। तो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आपको पहले से नोन होता है कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक आपको वर्क करना है। तो मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, एक्जैक्टली बीपीओ में क्या वर्क होता है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है और क्या रियलिटी होती है, ताकि अगर आप ज्वाइन भी कर रहे हो बीसीए के बाद तो आपको कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो, और ताकि आपको ऐसे मिथ ना हो कि एग्जैक्टली मैंने तो ये सुना था और ये हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, बीपीओ आई कैन से आईटी से रिलेट मैं उसे कर सकती हूँ। तो बीपीओ ना अभी के टाइम पे सबसे ईजिएस्ट और सबसे हार्डेस्ट जॉब है। रीज़न क्या है कि बीपीओ में पैसा बहुत है। अगर आप काफ़ी टाइम से बीपीओ के अंदर वर्क कर रहे हो तो उसमें आपको पैसा बहुत मिलेगा। सो बिफोर गोइंग दैट, मुझे क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हो कि बीपीओ के, तो बेसिकली बीपीओ एक ऐसा प्रोसेस होता है, जैसे आईटी में आपके डोमेन्स होते हैं, बीपीओ में आप जनरली काम करते हो इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, वॉइस एंड नॉन वॉइस प्रोसेस पे। दैट्स मीन आपको क्वेरी रिजॉल्व करनी पड़ती है और आप वर्क करते जैसे कस्टमर एग्जीक्यूटिव की तरह। तो बेसिकली ये टोटली नॉन कोडिंग फील्ड है। आपको कम्युनिकेशन अच्छी लगती है, आपको इंटरेक्ट करना पसंद है, तो ये आप इस फील्ड से अपना करियर शुरू कर सकते हो। सेकेंड थिंग, बीपीओ की एक बात बताओ तो बीपीओ की इनिशियल सैलरी बहुत ज़्यादा कम होती है। लाइक आज से 2 से 3 साल पहले जब मैंने जॉब की थी, उस टाइम पे इसकी सैलरी जो मुझे इनहैंड मिलती थी वो मिलती थी 14,000 समथिंग, वो भी ये इंसेंटिव को मिला के था, बट अप्रॉक्स 11 मिलती थी। रीज़न ये था कि बीपीओ में काम करने वाले बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा अर्निंग नहीं है एट द इनिशियल, अगर आप इनिशियल ज्वाइन कर रहे हो। बट अगर आपको वहाँ पे अच्छा टाइम हो गया तो येस, आप वहाँ पोजीशन हायरार्की बहुत अच्छी है कि आप टीएल बन सकते हो, फिर आप मैनेजर बन सकते हो, और उससे भी 1-2 पोस्टें आती है एसएमई टीएल की उसके बाद, मतलब अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो हाँ, कहीं ना कहीं आप बीपीओ का जॉब कर सकते हो। एंड आई अर्लियर सेड कि देखो मेरे टाइम पे तो बहुत कम सैलरी थी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी लाइक इस टाइम की अगर मैं बात करूँ तो अभी जो सैलरी ही है इनिशियली वो 30,000 to 35,000 से ऊपर जाती है। बट आपको क्या करना है, आपको कॉल रिसीव करनी होती है एंड उनकी क्वेरी रिजॉल्व करनी होती है। बेसिकली आप वर्क करते हो सर कस्टमर एग्जीक्यूटिव की तरह, और ट्रेनिंग इसकी 2 से 3 महीने की होती है। फिर आपका असेसमेंट लिया जाता है, देखा जाता है कि आपको कितना काम आया या नहीं आया। ये तो बेसिकली है कि बीपीओ में वर्क कैसे होता है, और सम टाइम ये बहुत हैक्टिक होता है क्योंकि आपकी रोटेशनल शिफ्ट होती है, रोटेशनल वीक ऑफ होता है, तो कुछ भी फिक्स नहीं होता और आपकी शिफ्ट कभी भी चेंज हो सकती है। तो बहुत याद रखना अगर आप बीपीओ में वर्क कर रहे हो तो। बीपीओ क्या है, टोटली एक नॉन कोडिंग सेक्टर है जो मैंने आपको पहले बताया। अगर आप कम्युनिकेशन में अच्छे तो यस बीपीओ ठीक है आपके लिए, आप शुरू कर सकते हो। बहुत ज़्यादा स्किल्स आप वहाँ सीखने वाले हो, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगी, और मेरी समा वहाँ से बहुत ज़्यादा होगी, थोड़ा एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका आ जाता है। बट अगर आप एक कोडिंग वे में जाना चाहते हो तो हाँ, बीपीओ सेक्टर ऑफकोर्स आपके अच्छा नहीं है। तो आई वुड लाइक टू प्रेफर कि आप अगर आपको लाइक कोडिंग पे जाना है तो आप कोडिंग वाले सेक्टर को चूज़ करो। तो उस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, अनअकैडमी के थ्रू एक ऐप है आपका नेक्स्ट लेवल ऐप। बेसिकली नेक्स्ट लेवल ऐप आपका गेमिफाइड कोडिंग प्लेटफॉर्म लेके आया है, जहाँ पे आप कोडिंग को एक फन मैनर में कर सकते हो। जितनी अच्छी आप अपने यहाँ पे स्किल शार्प करोगे, आप जितना अच्छा वहाँ पे कंप्लीट करोगे, उतना ज़्यादा आपका स्कोर कार्ड बनेगा, और वो जो प्रोफेशनल स्कोर कार्ड होगा उसके थ्रू आप इंडिया की टॉप ऐप, इंडिया नहीं मतलब ऑल ओवर जो टॉप एमेंसीज कंपनी है उसमें अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को अनलॉक कर सकते हो फॉर द इंटरव्यू। इसके साथ बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी टाइप है जैसे KPMG, Firstcry, Byju's, इन बहुत सारी जो कि आपको स्क्रीन पे मैं शो कर रही हूँ। आप इसे रेफर कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ, आप किसी के साथ भी इसे खेल सकते हो, जैसे रैंडम कॉम्पिटिटर आता है। अगर आपका स्कोर कार्ड जितना इंप्रूव होता है तो आप सोचो कि आपको यहाँ पे भी ऑप्शन है कि आप कोडिंग के और नॉन कोडिंग के, अगर आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है उसमें जॉब ले पाओ। प्लस इसका एक पॉजिटिव फैक्टर ये है कि बिल्कुल फ्री है। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन पे मैंने आपको लिंक दिया, उस लिंक में जाकर उसे डाउनलोड करना है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे पहले आप एक वेट लिस्ट में होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा साइन अप है डेफिनेटली, तो एक क्यू में आपको चलना पड़ेगा। बट अगर आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ रेफर करते हो, एटलीस्ट अगर आप 5 रेफर भी कर लेते हो तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप डायरेक्टली इन कर पाओ और आप गेम शुरू कर पाओ। एंड गाइस यहाँ पे कोडिंग के साथ साथ आप एक्साइटेड रिवॉर्ड भी जीत सकते हो। 1st, 2nd, 3rd जो टॉप रैंकर होंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा जनवरी के, अगर आपकी 1st रैंक है तो येस एग्जैक्टली यहाँ पे आप जीतोगे मैकबुक एयर, 2nd iPad mini और 3rd को किंडल पेपरवाइट। तो ये रिवॉर्ड भी आप यहाँ पे ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ गुड कोडिंग स्कोर्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद आप चेक कर सकते हो कि आपकी क्या रैंक है ओवरऑल किस सीज़न में। फाइव सीज़न भी शुरू हो चुका है। प्लस इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस किस कंपनी में कौन कौन सी ओपनिंग्स हैं। जैसे कि आपको राइट साइड की स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप इंडिविजुअली चेक कर सकते हो किस कंपनी में कौन सी डोमेन में कितनी ओपनिंग्स अवेलेबल है। सो यस, नेक्स्ट लेवल बाय अनअकैडमी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपने स्किल शार्प कर सकते हो, एक अच्छे स्कोर कार्ड के साथ बिग एमएनसीज कंपनी में अपनी अपॉर्चुनिटी अनलॉक कर सकते हो और इंटरव्यूज दे सकते हो। प्लस अपने फ्रेंड्स को भी रेफर करो जो कोडिंग में बहुत इंटरेस्टेड है, क्योंकि आज के टाइम पे कोडिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा है एंड इट विल हेल्प यू टू क्लियर योर इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो ये ऑलमोस्ट रिलेटेड फंडा है उससे। सो आई होप कि अगर आपको कोडिंग में बड़ा इंटरेस्ट है तो आप जाओगे और फटाफट से साइन अप करोगे। स्क्रीन पे आपको मेरा कोड दिख रहा होगा, अगर आप मेरा रेफर कोड यूज करते हो तो वेट लिस्ट में आपको थोड़ा सा कम वेट करना पड़ेगा। सो सारे लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में। डोंट फॉरगेट टू साइन अप विद द नेक्स्ट लेवल ऐप। सो लेट्स गो अहेड विद अवर वीडियो। तो हम बात कर रही थी कि बीपीओ की, तो बीपीओ का जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है और प्रोसेस से। इसमें आपसे कुछ भी लॉजिकली नहीं पूछा जाएगा। ये पूछ सकते हैं कि आप किसी की क्वेरी कैसे रिजॉल्व करोगे अगर कोई आपके पास आता है, या फिर आपको कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक पे आपको बताना है, वर्ड्स बोलना है। दैट्स मीन आप जब उस टॉपिक्स पे कुछ बताओगे, मीन्स इंग्लिश में कम्युनिकेट करोगे, तो इंटरव्यूअर ये देख लेगा कि आपकी इंग्लिश कितनी है, किस लेवल तक है, क्या आप उस चीज़ को मैनेज कर सकते हो, क्योंकि लाइक एट द एंड आपको कस्टमर एग्जीक्यूटिव का रोल मिलने वाला है। तो कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना है। सेकंड राउंड आपका पर्टिकुलर एक टॉपिक बेस होता है, तो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि आपने अपना लास्ट वीकेंड कैसे स्पेंड किया था, या लास्ट संडे आप कहाँ गए थे, या लास्ट वीकेंड आप क्या स्पेसिफिकली आपने कुछ नया किया, और आपकी हॉबीज़ क्या है, जनरली आप क्या करते हो, आपका डे टू डे रूटीन क्या है। तो इन सब चीज़ों से वो आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर टेंस एटलीस्ट देख लेंगे। ये टेस्ट अगर आप राउंड करते हो तो कुछ कंपनीज में होता है लास्ट राउंड, जिसमें आपको कुछ कंप्यूटर बेस्ड जैसे कुछ इमेजेस दिखाई जाती है, कुछ वीडियोस दिखाई जाती है, उसको आपको नरेट करना होता है। तो ये डिपेंड करता है लास्ट राउंड कंपनी टू कंपनी पे। बट अगर आप सेकंड राउंड तक पहुँच गए तो आपके बहुत सारे चांसेस है कि आप थर्ड राउंड को क्लियर कर लोगे। सो अगर ये सब कर लिया तो यस यू आर इन एंड आप अपने बीपीओ प्रोसेस को शुरू कर सकते हो, जिसमें आप बात लाइक वो डिपेंड करता है आप कॉलिंग करोगे या वॉइस नहीं रहेगा, नॉन वॉइस रहेगा। तो इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक। बट एक एडवांटेज जो मैंने बीपीओ में देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ कम्युनिकेशन बहुत मतलब इम्प्रूव हो जाती है। आप में कॉन्फिडेंस एटलीस्ट आ जाएगा, एक स्पार्क आ जाएगा, ताकि आप किसी दूसरी जगह इंटरव्यू दो ना, आपको तो ज़्यादा हेजिटेशन ना हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि बीपीओ में क्या कैसे इंटरव्यू होता है एग्जैक्टली। थोड़ा वर्क मैंने आपको बताया कि मेरी क्या मतलब मैंने जो काम किया था उसमें क्या वर्क था। मेरा सेम वर्क था, मैंने टेक महिंद्रा पे वर्क किया था एंड जो प्रोसेस था वो फ्लिपकार्ट के लिए किया था। तो आई हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स इन माई ट्रेनिंग टाइम। तो ट्रेनिंग में अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपको असेसमेंट में कोई इशू ना हो। बाकी एसएमएस वगैरह हेल्प करते हैं एंड सैलरी एक्सपेक्टेशन आई कुड से कि अब आप रख सकते हो 30+। पहले नहीं होता था बट नाउ यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 30 और एटलीस्ट 25। तो 25 के टू 30 आप यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप सोचिए जब यहाँ पे इतना मिल रहा है तो अगर आप बहुत अच्छी प्रोग्रेस करोगे तो आपको कहाँ पे मतलब कितनी अच्छी जॉब में एक अच्छा पैकेज मिल सकता है। और बीपीओ एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कोई भी वर्क कर सकता है, उसमें स्पेसिफिकली कोई भी आपकी ग्रेजुएशन या डिप्लोमा नहीं देखा जाता। नॉर्मल कुछ कंडीशंस होती है लाइक आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर आपका एटलीस्ट 12th पास होना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है, वो आप एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा। हाँ, अगर आपको एग्जैक्टली शुरू करना ही है अपना फ्यूचर तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपके पास प्रेशर है कि आपको फैमिली से पैसे नहीं देना और खुद से करना है तो यस, बीपीओ का ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप अपना एटलीस्ट वर्क शुरू कर सकते हो। देन यू कैन स्विच योर जॉब टू अ पर्टिकुलर डोमेन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको और भी कोई वीडियोज चाहिए या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन कमेंट बिलो। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। सी यू, बाय, हैव अ ग्रेट डे।